हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सुप्रिया, आपका स्वागत है मेरे किचन में यानी कि सुप्रिया इजी मील में। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एगलेस केक की रेसिपी, स्पंज केक जो हम गैस पर स्टीम करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी घर पे एगलेस स्टीम केक बनाने के लिए। 2 कप मैदा है मेरे पास, मैंने इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान के रखा है। तो 2 कप मैदा, 100 ग्राम्स की जितना देसी घी लिया है मैंने, आप चाहें तो इतना ही बटर ले सकते हैं। और पिसी हुई चीनी है 4 टेबल स्पून, और कुछ नट्स लिए हैं मैंने, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है, जैसे कि काजू है, बादाम है और पिस्ता है, इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी नट्स या टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इनो लिया है मैंने, 1 टीस्पून इनो, ये 5 ग्राम का सैशे आता है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इनो का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है तो हमारा केक अच्छा नहीं बनता है, लेकिन इनो के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इनो एक फुल प्रूफ रेसिपी है इनो के साथ। तो 1 टीस्पून इनो, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे हम, और 1 कप दूध लिया है मैंने। तो दूध हम इतना इस्तेमाल करेंगे जितना कि हमारा बैटर बनने में यूज़ होगा। और हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं स्टीम करके। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया मैंने, इसमें एक स्टैंड रखा है बर्तन का, आप देख सकते हैं। और इसमें पानी रख दिया है मैंने 2 ग्लास, पानी इतना ही रखे कि स्टैंड डूब जाए, इसके ऊपर पानी ना आए। तो इसको मैंने गैस को ऑन करके रख दिया है इसको प्री हीट होने के लिए। प्री हीट हो रहा है हमारा पानी। तो चलिए सबसे पहले हम केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे घी, और चीनी डाल देते हैं, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। अच्छी तरह से हम इसको मिला लेते हैं। हमने इसको अच्छे से मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से नट्स हम बचा के रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए, थोड़े से आलमंड्स ही रखेंगे हम गार्निशिंग के लिए, बचा लेते हैं। और बाकी के नट्स में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये नट्स जब हम केक बैटर में डालेंगे तो ये अंदर नहीं डूबेंगे। हमने इसमें कोट कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब बाकी का मैदा हम घी और चीनी के मिक्सचर में डालेंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे हम इसको, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में डालते हुए हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। एक ही बार में पूरा ना डालें, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बाकी के मैदे को भी हम इसी तरह से डालते हुए मिला लेंगे हम सारे मैदे को। सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया, आप देख सकते हैं अभी ड्राई हो रहा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका एक अच्छा सा थिक बैटर बनाएंगे। धीरे धीरे इसको दूध डालकर हम इसको मिला लेते हैं। हमारा बैटर अब तैयार है, आप देख सकते हैं स्मूथ बैटर है, बहुत अच्छा बैटर बना है, इसमें लम्स नहीं है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं 1 टीस्पून, अच्छे से मिला देंगे। अब ये नट्स भी हम डाल देंगे इसी में, इसको अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे। अब हम इसमें इनो भी डाल देते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए इनो डालने के बाद बैटर कितना फूल गया है। अब हम इसको जल्दी से केक मोल्ड में डाल देते हैं। ये बर्तन लिया है मैंने, इसको घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, और हमारा पानी भी उबल चुका है आप देख सकते हैं। तो हम जल्दी से इसमें पोर कर देंगे बैटर। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर का हवा निकल जाए। अब जो आलमंड्स हमने रखे थे गार्निशिंग के लिए उसका उसको हम
डाल देते हैं इसके ऊपर से। अब इसको हम डाल देते हैं पानी, सावधानी से हम इसको डालेंगे। सावधानी से हम इसको पानी डाल देते हैं और इसको हम स्टील की प्लेट से इसको ढक देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि स्टीम इसके अंदर ना जाए, और इसको हम ढक देंगे फिर से और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पहले 10 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसका फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे। 10 मिनट हम इसको मीडियम हाई पे रहने देते हैं, फिर 10 मिनट के बाद इसको हम मीडियम लो पे कर देंगे। टोटल हम इसको 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे, तो चलिए वेट करते हैं। 10 मिनट हो गए, गैस को हम थोड़ा सा मीडियम लो पे कर देते हैं और 25 से 30 मिनट और वेट करते हैं। टोटल 40 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। सावधानी से निकालें, गरम है। ढक्कन हटा दिया है हमने, चलिए टूथपिक लेके चेक कर लेते हैं। इसको अंदर डालेंगे, सावधानी से डालें। ये देखिए पूरा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक अब पक चुका है। फिर एक देखिए हमारा केक अब बिल्कुल पक चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और केक के बर्तन को हम सावधानी से बाहर निकालेंगे। इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं पहले। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसने साइड्स भी छोड़ दिया है। फिर भी हम नाइफ लेके ऐसे साइड से स्क्रैप करके, ऐसे स्क्रैप करते हुए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम प्लेट में पहले निकाल लेते हैं। हमने केक को प्लेट में निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी केक बना है हमारा। एगलेस केक बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है, बहुत ही टेस्टी केक बना है। देखा आपने, एगलेस केक बनाना कितना आसान है घर पे। तो आप भी इसी तरह से केक बनाइए एगलेस केक, और अपने अनुभव को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।